इस जैकेट की बनाएंगे बेस्ट टेस्टी। और देखेंगे कौन कौन आ रहे हैं आज ऑन द राइज पर। और स्पोर्ट्स रैप में क्या है खास, उससे पहले रोल बप्पा, कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। अब नए साल की आपको मुबारकबाद भी दे दूं, 2 तारीख को तो खैर पुराना हो गया यार, 2020 है जो पीछे ही अपना घर है, छुट्टियां मना रहा हूं मैं अपनी फैमिली के साथ। और आपके साथ जैसा वायदा किया था कल कि आज हम बनाने वाले हैं टेस्ट टीम ऑफ द डेकेड, यानी कि पूरा जो 2010s में किस टीम का आप चयन करेंगे, वो कौन से ऐसे 11 नहीं इस बार 12 खिलाड़ी पिक करने वाला हूं मैं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं, और लिस्ट बना के आनी पड़ती है बॉस। शुरुआत में एक्चुअली ना दोनों लेफ्ट हैंडेड ओपनर्स हैं, एक तो हुए ये हमारे जनाब, इनका नाम है डेविड वार्नर। अब वार्नर के खिलाफ वैसे अच्छी बातें बहुत है, बहुत रन इन्होंने बनाए हैं, सिर्फ खिलाफ में एक बात ये जाती है कि इन्होंने बहुत सारे रन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बनाए हैं। अबाउट 74% ऑफ हिज टेस्ट सेंचुरीज वो जो इस डेकेड में बनाई है वो ऑस्ट्रेलिया में ही आई हैं। इंडिया श्रीलंका थोड़ा सा इनका प्रदर्शन थोड़ा सा फीका रहता है, बदन रन इतने बनाए हैं कि यू कांट रियली कीप हिम आउट। द सेकंड गाय, ये तो जीनियस है बॉस, इस खिलाड़ी का नाम है अलिस्टर कुक। और ये दशक जाते जाते जरूर ये टाटा बाय बाय कह गए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को, लेकिन ये खिलाड़ी जो है ना ये 24 कैरेट खरा सोना, इनको देख के आपको लगता था बोर कर रहा है आपको, लेकिन ये दोहरे शतक तिहरे शतक ये खिलाड़ी, ये प्रॉपर वो जो ओल्ड मोड का रहता ना, जो भार की बॉल छोड़ना साफ की बॉल खेलना, वो काम करने में ये खिलाड़ी महारत प्राप्त करता था। इन्हीं का ही टीममेट है नाम है इनका जो रूट, इनको नंबर रखा मैंने 3 पर। यहाँ पे लड़ाई ये थी कि क्या केन विलियमसन को रखा जा सकता है, लेकिन विलियमसन से ना इन्होंने काफी ज्यादा रन बनाया, तो फिर जनाब रूट का नाम यहाँ पर आ गया, तो रूट यहाँ पर बिल्कुल जमे हुए हैं। इसके बाद 4 नंबर पर रन मशीन है नाम इसका, खिलाड़ी का नाम कोहली है, तो कोहली का वहां रहना जरूरी है और ये यहाँ पे मौजूद है। तो हालांकि हमारे जब अवार्ड सेरेमनी हुई थी तो आपने कोहली को चुना था, मैंने स्मिथ को चुना था, लेकिन कोहली का नाम यहाँ पर बिल्कुल विराजमान है। उसके बाद ऑफकोर्स स्टीव स्मिथ, अनस्टॉपेबल स्मिथ, ये तो इनका दशक रहा है, तो इसमें कोई शक है नहीं कि इस खिलाड़ी का नाम यहाँ होना जरूरी है। तो मेरी बैटिंग वैसे अच्छी लग रही थी, कुक हो गए, वार्नर हो गए, वार्नर कुक रूट कोहली स्मिथ, इट्स अ वेरी डीसेंट बैटिंग लाइनअप। अब इसके बाद मेरे पास एक विकल्प था, शाकिब को चूज करूँ या स्टोक्स को चूज करूँ, लेकिन जब मैं बाकी टीम को कॉम्पोजिशन देखता हूँ ना, मुझे लगता है एक और मुझे स्पिनर चाहिए, तो फिर शाकिब अल हसन। और ये अनबिलीवेबल खिलाड़ी रहा है, क्योंकि किसी भी फॉर्मेट को आप उठा लीजिए, टेस्ट, वन डे, T20, इस खिलाड़ी का नाम हर डेकेड की टीम में ना वो शुमार है, और मेरी टेस्ट टीम में भी इन खिलाड़ी का नाम, हमारे पड़ोसी हैं, इनका नाम वहां पर बिल्कुल है। स्टोक्स सॉरी ब्रदर, बट देन कभी तो खेलोगे एशिया में यार, मतलब 2 स्पिनर चाहिए होंगे ना, सारे के सारे पिक करे जा रहे हैं स्टोक्स को, सारे मैच थोड़ी ना होंगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में। इनके बाद थोड़ी सी अनपॉपुलर चॉइस, बट नाम है बीजे वॉटलिंग, और वॉटलिंग अच्छा खिलाड़ी है, क्योंकि इनका अगर आप दशक देखें, बहुत लोगों का कहना है कि संगाकारा का नाम यहाँ होना चाहिए, लेकिन संगाकारा ने ही गिवन अप हिज ग्लव्स, मतलब कीपिंग ही नहीं कर रहे थे, एबी डिविलियर्स के नाम बोलते हैं लोग, वो तो कीपिंग करते ही नहीं थे, और जब तक बतौर कीपर टेस्ट टीम ऑफ द डेकेड चुन रहे हैं, यू वांट टू पिक अ कीपर हुज केप्ट थ्रू आउट, तो ये बीजे वॉटलिंग ही इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। विकेट्स हैं, रन्स हैं, नहीं विकेट्स नहीं है, कैचेस हैं, स्टंपिंग है और रन्स हैं, तो बीजे वॉटलिंग का नाम वहां पर मौजूद है। और उनके बाद रविचंद्रन अश्विन, पॉन्टिंग साहब ने लायन का नाम चुना था, लेकिन मैंने चुना है अश्विन का भी, अश्विन ने ना जितने मैचेस जिताए, जितनी श्रृंखलाएं जिताई सिंगल हैंडेडली, यू गॉट टू पिक हिम अहेड ऑफ नेथन लायन इज व्हाट आई फील, तो मेरी टीम में रविचंद्रन अश्विन। डेल स्टेन, स्टेन गन, ही इज अनबिलीवेबल, उनका नाम तो होना ही चाहिए, तो ही इज डेफिनेटली देयर। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ कोर्स ही डिड नॉट प्ले दैट मच ऑफ टेस्ट क्रिकेट, लेकिन जो पहले सालों में जो काम किया ना वो यादगार काम किया, बेमिसाल काम किया है। देन जेम्स एंडरसन, ही इज अनबिलीवेबल, दिस गाय इज मतलब 150 टेस्ट मैचेस बॉस, मतलब कौन खेल पाता है फास्ट बॉलर इतने समय तक, इन्होंने खेला है और अच्छा काम किया, बहुत मतलब ट्रक भर के इन्होंने विकेट चटकाई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय 11th मैन स्टुअर्ट ब्रॉड, उन्हीं का टीममेट, और नाउ वेदर वी लाइक इट और हेट इट, इसमें 4 खिलाड़ी तो मुझे इंग्लैंड के नजर आते हैं, दे हैव बीन वेरी वेरी गुड, टेस्ट क्रिकेट पे तवज्जो भी ज्यादा है इस टीम में, इन खिलाड़ियों का नाम भी ज्यादा है, और एक 12th मैन, मैंने कहा था ना 12 चुनूंगा, एबी डिविलियर्स, तो एबी डिविलियर्स को मैंने नंबर 12 पर रखा है मेरी टीम का 12th मैन, वैसे जिस टीम का एबी डिविलियर्स, तो यार वो टीम वाकई में बहुत अच्छी है। तो ये तो रही मेरी टीम,
अब आज की आकाशवाणी यही होती है थोड़ी सी समाप्त। मुझे वैसे वापस बीच पर भी जाना है, तो बीच पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं और आपको मैं दिखाता हूँ बेस्ट ऑफ ओटीआर। इसका मतलब क्या होता है भाई, ऑन द राइज फीचर में हम इतने सारे अच्छे अच्छे जो खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हैं उसका बेस्ट दिखाते हैं हम आपको। पिछले 6-7-8 हफ्तों में हमने आपको क्या क्या दिखाया। क्रिकेटर बनेगा तो अंग्रेजी जाननी चाहिए थोड़ी सी। बात है, पहलवान वाली डाइट थी 100 बादाम 3 लीटर दूध। लवली साला बॉलर जैसा बना जो खेल नहीं पाए। सचिन पाजी के बहुत बड़े फैन थे, हर सेंचुरी पे मिठाई बांटते थे जब तक मैंने खेलना स्टार्ट किया उससे पहले पहले। यही वो जगह है मतलब जहां पर वो गुरु ग्रेग ने आपको कहा था कि छोड़ दे यार क्रिकेट क्यों खेलता है, मत खेल, तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। टॉप 100 में आई गॉट सेलेक्टेड, तो यहाँ पे कैंप लगा कुछ 10 दिन का जिसके अंदर क्रिकेट स्किल्स पे बेसिस पे बाहर कर ही नहीं रहे थे वो। okay. उन्होंने क्रिकेट स्किल्स देखी नहीं थी एक्चुअली। हाँ, okay, बैटिंग बॉलिंग कराई नहीं। हाँ, वो सिर्फ देख रहे थे कि कौन अच्छी स्किपिंग करता है, कौन जगलिंग करता है। तो फिटनेस में आई वॉज ऑलवेज नंबर वन, सबसे आगे रखा। ठीक है, जगलिंग मैंने सीख ली थी अच्छे से, स्किपिंग भी सीख ली अच्छे से बहुत घर पर मेहनत करके। अच्छा, टॉप 50 साइज सेलेक्ट किया उन्होंने, तो उसके अंदर नाम नहीं था। आपने जब ये बोला तो फिर हाउ डिड यू फील? मैं गया उनके पास पूछा कि सर कि मेरा नाम नहीं है सर लिस्ट के अंदर, मैं कोई मिस्टेक हुआ है या फिर मेरे को आपने लिया ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, वी डोंट पिक यू। तो मैंने पूछा सर क्या रीज़न था, बिकॉज मैं सबसे आगे था रन वगैरह और सब बाकी सब चीज़ें ठीक है। तो उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया कि हम मैं सोचता हूँ कि हम ऊपर नहीं खेल सकते क्रिकेट, कांट प्ले हाई क्रिकेट। And I'm someone who loves, you know, like talking. Once you score, they like Jemmy this Jemmy and that. Jemmy is the one. Yeah, and when you don't score, they don't even look at you. Cricket खेलना बहुत पसंद था। जब अच्छे लग रहे हैं, तो form इतना extend करो कि जब नहीं लग रहे, तो वो cover up हो जाए। Yeah. I'm 42. I'm your senior. Okay, that's it. I got the ball. बहुत कोशिश की ball पकड़ने की, ball काम आया नहीं। She's very good. ऐसे हुआ था कि एट वन स्टेज माय पेरेंट्स थॉट कि मैं हॉकी में करियर परस्यू करने वाली हूँ, नॉट क्रिकेट। राइट। फिर उसके बाद मैं हॉकी के लिए पहले सिलेक्ट हुई, फिर साइमल्टेनियसली क्रिकेट भी हुआ। ओके। बट फिर दोनों क्लैश होने लगे और लाइक दे वर लाइक ईदर क्रिकेट चूज करो कि हॉकी चूज करो। तो पापा ने बोला इट्स अप टू यू, योर डिसीजन, जो आपको पसंद है वैसे। राइट। तो मैं रोने लगी, मुझे लगा मुझे दोनों खेलना है। फिर सिंस आई रीच अ हायर स्टेज इन क्रिकेट एंड क्रिकेट चूज किया। मैं आपको एक बात बता दूँ, दुकान बंद कर ले। मुझे ऐसा लगता है विनोद जी, आपका भाई जो है ना बड़ा अच्छा आपने इन्वेस्ट किया है, लड़का ये पक्का इंडिया के लिए खेलेगा। मैंने इसको देखा एक्चुअली अंडर 19 इंडिया में खेलते हुए, ये सीनियर टीम के लिए खेलेगा और बहुत जल्दी खेलेगा। सुना तूने सब कुछ? कहा था कान बंद करने के लिए। लड़के हैं बता, सारे आज के बहुत नौटी हैं। जो बात मुझे अच्छी लगी थी ना, जब मैंने आपको देखा अंडर 19 में, ऑब्वियसली टीवी पे देखा था, ये इतना सा कद है तुम्हारा मेरे जितना एकदम, इतने से कद में 145 मुझे डालता हुआ बॉलर मिलेगा, पहले तो वो देखते ना दिल एकदम बड़ा हो जाता है कि भाई अपना इंडियन बच्चा है,
19 साल का भी नहीं हुआ अभी और 145 डाल रहा है, ये पेस कहाँ से आया? थोड़ी नेचुरल थी हाँ। और फिर मैंने इसके मेरे जो कोच हैं सुरेंद्र सिंह राठौर हाँ, उन्होंने मेरे एक्शन पे बहुत वर्क किया। बड़ी मजेदार बात तो ये है कि भैया देखो आईपीएल का ऑक्शन और ऑक्शन हुआ और इस बिन पिक भाई हम तो कह रहे थे इनको इसका नाम आने वाला है पक्का, हमने तो फीचर भी किया था कि ये लड़का बिकेगा हमारा बड़ा अच्छे से, कोई ना कोई इनको लेगा अपनी टीम में बिडिंग वॉर के साथ। तो अब लक कैसा रहा है कि अब आईपीएल प्लेयर भी है और बड़े बड़े लोगों के साथ साथ भी और अगेंस्ट भी खेलने वाला है, मतलब इंडिया अंडर 19 से ये थोड़ा सा बड़ा स्टेप अप है ये? नहीं, बहुत अच्छा है आईपीएल में निकलने के बाद और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि सीनियर्स प्लेयर होंगे, उनसे क्या है वो क्या करते हैं, हार्डवर्क कैसे करते हैं और वो हर प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, तो वो बहुत चीज़ें हैं जो मुझे सीखने को मिलेगी और मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा ताकि मेरी क्रिकेट में और निखार आए। एक्साइटेड? यस सर, वेरी एक्साइटेड। सुमित नागल एंड ही इज प्रोबेबली आवर ग्रैंड स्लैम चैंपियन। और इस वजह से मैंने इनका बस्ता भी उठाया हुआ है, भारी है, कहते हैं नलायकों के बस्ते भारी होते हैं, तो इसलिए मैंने उनको उठाने नहीं दिया, मैंने उठा लिया। सो थैंक यू वेरी मच ब्रदर फॉर बीइंग ऑन द शो। तो खैर कहानियां तो आपकी ना बहुत सारी हैं और उन सब कहानियों के ऊपर मैं बहुत सारी बात करने वाला हूं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी कहानी हुई है कि सुबह 3-4 या 5 बजे का मैच था व्हेन यू वर प्लेइंग अगेंस्ट फेडरर। हां जी, 6:30 पूरा भारत जागा हुआ था, मैं तो 5 बजे जाग गया था कि सुमित खेल रहा है और हमारा लड़का फेडरर के सामने है। वो कहानी क्या थी और कैसी थी और क्या वो मैच था, पहला सेट आपने जीता भी, आई मीन ऑब्वियसली अनबिलीवेबल। दिस इज योर फर्स्ट गेम, दिस इज फेडरर्स अरीना, मतलब जी। ये उसका हाँ, ऐसे हुआ था जब आई रिमेम्बर जब मैं वी वॉक्ड ऑन द कोर्ट, तो जब मैं आई वॉज द वन टू स्टार्ट फर्स्ट, तो मैं गया, थी क्लैप्स थी इधर उधर, यू नो वाज ओके, आई थॉट फॉर मी कि बहुत काफ़ी है क्योंकि हम मैं इतने बड़े स्टेडियम में कभी खेला नहीं, तो मैं गया आराम से अपने जगह बैठा। व्हेन ही वॉकड ऑन दैट्स व्हेन आई कुड फील कि भाई जो मेरा हुआ तो 30-40% के क्राउड ने ताली मारी है, दिस इज वेयर यू कुड फील कि हाँ भाई दिस इज डबल और ट्रिपल ऑफ द अमाउंट ऑफ पीपल वर क्लैपिंग। And then when he walked in, he just gave me a look like, he just looked at me, I'm like, yes sir, I know, yeah, I know this is your place. Mid pressure feel mat karna, okay? Best of luck, you need it. That you're gonna need. I will, actually. Oh, this is... Okay. Oh, oh this... Thank you, Mr. Chopra. Well, I'm done. You're out of breath. I need to practice. I need to train. I need to become fitter. And then only, I'll also be on the rise. Right now, he's only rising. Okay, fantastic. Even the luck won't do anything. True. That's good. Thanks. जब भी वानखेड़े की लाइट्स ऑन होती है तो वो मेरे टेंट से दिखती थी, तो मैं हमेशा मतलब देख के बहुत खुश होता था, मैं सोचता था मैं एक दिन वहाँ खेलूँगा। चाचा और पापा ने मिलकर एक दूध की डेयरी पे मेरा रहने का इंतजाम किया और मैं रात को
शेडो बहुत करता था, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा मैं पानी पूरी बेचता था और मैं बहुत खुशी खुशी बेचता था क्योंकि मुझे पैसे भी मिलते थे। मैं बोला 100 सब करते 200 सब नहीं करते, तो मुझे 200 करना ही है कुछ भी हो जाए। मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। ना उस दिन के पहले मुझे नींद आई थी, ना उस दिन के बाद मुझे नींद आई। फिर उस दिन क्या हुआ, मैं कैसे भी करके उधर ही रुक गया। फिर मैं आजाद मैदान गया, पप्पू सर थे तो मैं उनको कॉल किया। मैं बोला सर, मैं घर पे कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि घर वाले परेशान हो जाएंगे, कहाँ जाएगा। तो मैं उनको कॉल किया, मैं बोला सर ऐसा ऐसा हो गया है, अभी मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, बैग ले और मेरे घर पे आ जा। उसके बाद उनका भी एकदम छोटा था, उनको भी मतलब उतना कम्फर्टेबल नहीं हो रहा था। तो फिर सर ने बोला कि एक टेंट मिल सकता है, अगर तू एक मैच है परफॉर्म कर दिया उसमें तो तू वहाँ पर रह सकता है। तो मेरे लिए टेंट ऐसा था कि मैं इतना खुश था, अरे वाह टेंट मिल गया, मैं कम से कम यहाँ पे रह सकता हूँ, अच्छी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, सबसे जल्दी ग्राउंड पे रह सकता हूँ। तो मेरे लिए पूरा पॉजिटिव था कि मैं कितना जल्दी वहाँ पे पहुँच के अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँ। और कभी सोचा नहीं कि मतलब दिस इज एक्चुअली एन आई ओपनर कि ये सब करने के बाद भी क्रिकेट खेल सकते हो। जेब में पैसे कहाँ से आते थे? काम करना भी बंद कर दिया उसके बाद, फिर पैसे कहाँ से आएंगे? तो मैं पानी पूरी बेचता था और मैं बहुत खुशी खुशी बेचता था क्योंकि मुझे पैसे भी मिलते थे और मेरा काम चल रहा था। तो एक मेरा टाइम पास भी हो जाता था अकेले अकेले, कितना भी हो, अभी घर की जब याद आती है तो कोई क्या कर सकता है। ऑन द राइज में देखा ना, बड़े मजेदार से हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयरों से हमने आपकी थोड़ी सी रूबरू करवाई। अब क्या बारी है, डेकेड हो गया है समाप्त, तो फिर चलो करते हैं जरा स्पोर्ट्स रैग, यानी कि खेल खेल में क्या है खास। भारत की ट्रैक एथलीट हीमा दास ने इतिहास में अपना नाम लिखा 12 जुलाई 2018 को, जब उन्होंने वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप्स के 400 मीटर इवेंट में जीता गोल्ड। इस सफलता के साथ हीमा दास बनी गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली ट्रैक एथलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। 2018 और 2019 हीमा के लिए बहुत बड़े साल रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के बाद उन्होंने एशियन गेम्स में भी अपनी प्रतिभा दिखाई, जहां उन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। जुलाई 2019 में उन्होंने कम्पीट किया 5 यूरोपियन चैंपियनशिप्स में और 5 कॉम्पिटिशन्स में जीता गोल्ड। इतनी सारी सफलताओं के बाद देश ने उनको दिया डींग एक्सप्रेस का टाइटल और सितंबर 2018 में सम्मानित किया उन्हें अर्जुन अवार्ड से। इन सभी कामयाबियों के बावजूद उनके परफॉर्मेंसेस को सही कॉन्टेक्स्ट में देखना भी जरूरी है। सीनियर जर्नलिस्ट बोरिया मजूमदार हीमा के बारे में क्या राय रखते हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, हीमा दास बहुत ही टैलेंटेड एथलीट हैं, पर ये बात हमें कहना चाहिए कि हीमा दास ने जो सब कॉम्पिटिशन, मैंने इसके बारे में लिखा भी है, जो कॉम्पिटिशन हीमा दास ने जीता है वो सारे कॉम्पिटिशन्स का स्टैंडर्ड जो है वो लो है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई यंग एथलीट सुपर टैलेंटेड, हीमा दास में टैलेंट और पोटेंशियल दोनों है, बट ऐसे मत लिखिए कि उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिया, गोल्ड मेडल जीत रहे हैं एट विल एट्सेट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। और अगर हम ऐसे कहते हैं ना, तो एक यंग एथलीट का दिमाग में ये घुस जाता है एंड देन स्पॉन्सर्स, मीडिया, फैंस, इनका प्रेशर उन पे बढ़ जाता है एंड दैट इम्पैक्ट्स द एथलीट। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, इन पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, इन पर्सपेक्टिव एक चीज को देखना चाहिए। एंड इफ वी सी फ्रॉम दैट सेंस, हीमा दास इज स्टिल एट अ वेरी मिडिल लेवल, और उनको आगे बढ़ने के लिए हमें उन पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए।
वेल, बोरिया की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां तक हिमा की बात है तो उन्होंने अभी भारत का नाम रोशन करना शुरू ही किया है। गौर करने वाली बात यह है कि वो अभी केवल 19 साल की ही हैं। सफर अभी लंबा है और हिमा को अभी बहुत दौड़ना है। आकाशवाणी की टीम उन्हें कहती है, भाग हिमा भाग। आज का शो मजा आया ना, मुझे भी बहुत मजा आया। छुट्टियों पे हूँ लेकिन देखो फिर भी काम कर रहा हूँ। और कल क्या आने वाला है, कल आएगा वनडे का बेस्ट टीम डेकेड का नंबर 1 पिक। अभी जाते जाते वो आकाशवाणी आपके शॉट्स मेरी कहानी, और मैं जरा चाहता हूँ डुबकी लगाऊं। शॉर्ट लेग सिली पॉइंट दोनों मौजूद। मुस्तैद स्टांस अजीबोगरीब, शॉट उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब। ये देखे, अरे ओए, ये ऐसा शॉट नहीं मिलेगा देखने को गुरु।